Hello everyone, I'm Prakriti. I'm a portrait artist and this is my art channel Prakriti's Art and Creation. इस चैनल पे मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बिगिनर्स और नॉन पेंटर्स के लिए इजी पेंटिंग लेकर आ सकूं। आज भी मैंने कुछ ऐसा ही पेंटिंग सिलेक्ट किया है आप सबके लिए जो कि आप बहुत ही इजी से पेंटिंग कर सकते हैं। तो फिर चलिए देर किस बात की है, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने 300 GSM का एक्रेलिक पेपर ले लिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट द कलरिंग। सबसे पहले हम स्काई को कलर करना शुरू करेंगे, उसके बाद हम क्लाउड्स क्रिएट करेंगे। फ्रेंड्स, अर्लियर वीडियोस में मैंने मेंशन किया था कि आपको सॉफ्ट स्ट्रोक से ही क्लाउड क्रिएट करना चाहिए। आप नोटिस कर सकते हैं कि मैं सॉफ्ट स्ट्रोक्स से क्लाउड्स को पेंट कर रही हूं। मैं पेंसिल से यहां पे थोड़े बहुत लाइंस ड्रॉ कर रही हूं, बट अगर आप बिगिनर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पहले स्केच करके उसके बाद कलरिंग को स्टार्ट कीजिए। पहले आप डार्क कलर का यूज कीजिए, उसके बाद बीच बीच में हाइलाइट्स ऐड करें। लाइट ग्रीन और येलो कलर को मिक्स करके हाइलाइट क्रिएट कीजिए। अब मैं फ्लावर्स को पेंट कर रही हूँ। फ्लावर्स के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मैजेंटा कलर। अगर आप चाहें तो आप लैवेंडर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लावर्स के बीच बीच में आप हाइलाइट्स ज़रूर ऐड करें। अब ट्रीज में थोड़े से डिटेलिंग ऐड कीजिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही कलरफुल पेंटिंग है, सो आप बस कलरिंग को एंजॉय कीजिए और पेंटिंग करते जाइए। Thank you.
अब पेंटिंग को थोड़ा और निखारने के लिए हम पिजन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। इसके यूज़ से हमारी पेंटिंग थोड़ी और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। इस पेंटिंग को क्रिएट करते हुए मैंने कलरिंग को काफ़ी एंजॉय किया। फ्रेंड्स, अगर आप इस पेंटिंग को रिक्रिएट करते हैं तो फिर मुझसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। नाउ इट्स रेडी। फ्रेंड्स, आपको ये पेंटिंग कैसी लगी मुझसे कमेंट बॉक्स पे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसी के साथ इस पेंटिंग से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।